सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, केम छो, हेलो गाइस। सो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लासिक ग्रिप पे। तो आज हम बात करेंगे गाइस, हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे रस्म रिवाज हैं जो सदियों से हम फॉलो करते आ रहे हैं। उन रस्म और रिवाजों के पीछे साइंटिफिक तथ्यों को हम भूल चुके हैं और यह रस्म और रिवाज आज एक अंधविश्वास का रूप ले चुके हैं। जैसे कि बिल्ली के रास्ते काट जाने को अशुभ क्यों मानते हैं, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, गाय क्यों माता क्यों कहते हैं आदि। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही 9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। आप सब ने शिव मंदिरों में शिवलिंग पर दूध चढ़ते जरूर देखा होगा, पर यह रस्म कैसे शुरू हुई और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो आइए बात करते हैं। यह रस्म श्रावण महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से शुरू हुई थी। एक्चुअली पुराने ज़माने में श्रावण महीने में जब धरती पर कीड़े मकौड़े बढ़ जाते थे, तब लोगों में डर बैठ जाता था कि उनके पशु घास के साथ यही कीड़े मकौड़े खा जाते हैं और उससे दूध एडल्ट्रेट हो जाता है। वो दूध पीने के बजाय शिवलिंग पर पूजा के रूप में इस्तेमाल होता था, जो आगे चलकर आस्था का अटूट अंग बन गया। और गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट की, शंख क्यों बजाया जाता है। मंदिरों में शंख बजता आप सब ने सुना ही होगा, लेकिन आप सब में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है। शंख को ब्लो करने से काफ़ी दूर तक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बीमारियां कॉज करने वाले जर्म्स डिस्ट्रॉय होते हैं। एक साइंटिस्ट जेसी बॉस ने प्रूव किया है कि हार्मफुल इनविजिबल वायरस इंसेक्ट्स डिसअपेयर बाय साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्च शेल, दैट इज शंख। शंख बजाने से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी क्योर की जा सकती है। और गाइस, अब हम बात करेंगे थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट की, दैट इज पानी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। पुराने समय में सिक्के ज़्यादातर कॉपर के बने होते थे और उस समय रिवर्स वर द मेजर सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि आप जानते हैं कि इनटेक ऑफ वाटर विद कॉपर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड बॉडी, इसीलिए आज भी घरों में कॉपर यूटेंसिल्स आर रिकमेंडेड। तो उस जमाने में नदी में सिक्के फेंके जाते थे ताकि कॉपर वाटर में डिजॉल्व हो जाए, विच कैन इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल। आजकल सिक्के स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। लोगों ने कॉपर क्वाइंस की साइंस को भूलकर नदी में सिक्के फेंकने को अंधविश्वास का नाम दे दिया। गाइस, अब हम बात करेंगे फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट की, दुर्गा पूजा पर दुर्गा की मूर्ति के लिए मिट्टी प्रॉस्टिट्यूट के आंगन से क्यों लाई जाती है। एक्चुअली बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार बहुत फेमस है, जो वहां पूरे 9 दिन तक चलता है और सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। वहां की एक रस्म है कि दुर्गा पूजा के लिए जो दुर्गा की मूर्ति तैयार की जाती है, उस मूर्ति के लिए मिट्टी प्रॉस्टिट्यूट के आंगन से लाई जाती है। इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल दुर्गा किसी में भेदभाव नहीं करती, शी बिलीव्स इन इंक्लूजन। ताकि दुर्गा पूजा में सबका योगदान हो, तो ये एक वजह है। दूसरा कारण, क्योंकि उस एरिया में कोई फेकनेस नहीं होती, जबकि आम सोसाइटी में लोग फेक लाइफ जीते हैं। कोलकाता का सोनागाजी भारत का एक लार्जेस्ट पिंप एरिया है। आइए बढ़ते हैं पांचवें इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर, व्रत और रोजा क्यों रखे जाते हैं। हमारे देश में लोग अलग अलग त्योहारों पर व्रत व रोजा रखते हैं, जैसे कि करवा चौथ, नवरात्रि, रमजान आदि। लेकिन व्रत रखने के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, इसका उत्तर मिलता है हमें आयुर्वेद से। व्रत रखने से शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जो शरीर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है। व्रत रखने से शरीर का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब हम गाइस बात करेंगे छठे इंटरेस्टिंग फैक्ट की, शुभ कार्य से पहले
मीठा क्यों खाया जाता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले मीठा खाने का रिवाज बहुत महत्वपूर्ण है, पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह क्या हो सकती है। साइंटिफिकली मीठा खाने से रक्त संचार बढ़ जाता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है और माइंड में पॉजिटिविटी बढ़ती है। पर गाइस ध्यान रखें, ज़्यादा मीठा खाना भी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब बात करेंगे सातवें फैक्ट की कि गाय क्यों माता क्यों कहा जाता है। एक्चुअली पुराने समय में काउ वाज यूज्ड एज करेंसी, तो इस वजह से सोसाइटी में काउ की बहुत रिस्पेक्ट थी, जो आज भी है। राजा महाराजा लोगों को गाय दान में दिया करते थे, जैसे धन की देवी लक्ष्मी माता कहा जाता है, उसी तरह से गाय को भी माता का दर्जा मिला। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की और आठवां फैक्ट, बिल्ली के रास्ते काटने को अशुभ क्यों माना जाता है। एक्चुअली पुराने ज़माने में लोग ट्रैवल के लिए बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, तो जब रात को लोग ट्रैवल किया करते थे तो तब बिल्ली रास्ते में जब आ जाती थी तो बैल डर जाते थे और इधर उधर भागने लगते थे, जो किसी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। तो लोगों की ये धारणा बन गई कि कहीं रास्ते में बिल्ली ना दिख जाए। एक और भी एक रीज़न था कि 14वीं सदी में जब प्लेग बड़े पैमाने पर दुनिया भर में फैला था तो उसका कारण थे रैट्स, और बिल्ली का डाइट होते थे चूहे, तो लोग रास्ते में बिल्ली को देखकर डर जाते थे कि कहीं वो भी प्लेग का शिकार ना हो जाए। भविष्य में चलकर इन कारणों को जाने बिना लोगों ने बिल्ली का रास्ते में आ जाना एक अशुभ संकेत मान लिया, और यहीं से इसने एक अंधविश्वास का रूप ले लिया। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और यानी के नाइन्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर, शुभ कार्य से पहले नारियल क्यों तोड़ा जाता है। पुराने ज़माने में बलि देने का रिवाज था, भगवान को खुश करने के लिए लोग जानवरों और कहीं पर मनुष्यों की भी बलि दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी सिविलाइज्ड हो गई, लोग पढ़े लिखे हो गए और बलि की प्रथा को इल्लीगल करार दे दिया गया, तो क्योंकि नारियल की शेप ह्यूमन फेस जैसी होती है, तो इसी फेस से जानवर या मनुष्य की बलि को नारियल की बलि ने रिप्लेस कर दिया। सो गाइस ये थे हमारे आज के तथ्य, अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी आगे नई नई तथ्य आपके सामने पेश कर सकें। सो गाइस खुश रहो, खिलते रहो, सिर्फ सांस मत लो, जीते रहो। थैंक्स, योगा।